बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मई का महीना इख्तिताम को पहुंच रहा है और आगे जून का महीना शुरू होने वाला है। जून का महीना बहुत ज़्यादा टम्परेचर वाला और ह्यूमिडिटी लेवल लो पे आ जाता है, नमी का तनासब हवा में बहुत नीचे आ जाता है, ये जून का महीना होता है। लेकिन इस साल 2024 में हमारे पंजाब के मैदानी इलाकों में मई से ही लू पड़ना शुरू हो गई है। टम्परेचर 45 को टच कर चुका है और बाज़ इलाकों में 48 तक भी टम्परेचर जा चुका है और नमी बहुत नीचे गिर चुकी है। हमारे इन इलाकों में 40-45 पे नमी चल रही है और कई इलाकों में तो 40 से भी नीचे नमी का तनासब जा चुका है हवा में। तो जब ऐसी शिद्दत आती है मौसम में, हवा में बहुत ज़्यादा खुश्की आती है, लू चलती है, तो हमारे असील परिंदे डूं करना शुरू कर देते हैं, हाँपना शुरू कर देते हैं, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं। उनके जो फेफड़े हैं वो गर्म हवा की वजह से खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से उनके फेफड़ों के अंदर बाज़ुकात इन्फेक्शन भी आ जाती है अगर उनमें मिनरल्स की कमी हो जाए तो। असील जो हैं डूं करते हैं, हाँपते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मुंह खोल के सांस लेते रहते हैं, तो उनके गुर्दों पे डायरेक्ट लू वाली गर्म हवा जब पड़ती है तो उनके जिस्म के अंदर से तबखीर शुरू हो जाती है, एवेपोरेशन शुरू हो जाती है और इस एवेपोरेशन के ज़रिए उनके बहुत ज़्यादा कीमती जिस्म के मिनरल जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। तो इस तरह हम उन्हें फिर इन मिनरल्स की मकदार फ्राहम करने की कोशिश करते हैं, बाज़ुकात ORS का इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं दो तरह का पानी आपको बनाने का तरीका बताऊँगा। आप इन दो तरह के तरीक़ों में से कोई एक तरीका लगा के पानी बना के अपने परिंदों को ऑफ़र करें, इंशाल्लाह ताला एक तो उनकी डूं कम होगी, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है, जो जिस्मानी दर्जा हरारत है बहुत गर्म हो चुके हैं, वो नीचे आएगा और उनके अंदर जो मिनरल्स की कमी है वो पूरी होगी और आपके परिंदे के दिलो दिमाग को, उनके जिगर को जो गर्मी है उसका एहसास कम होगा और आपके परिंदे को अंदर की जानब बर्फ़ लग जाएगी, AC लग जाएगा। आप देखेंगे, यकीन माने कि आपके परिंदे बहुत गर्म मौसम में भी ऐसे खुश बाश हैं कि जैसे मौसम गर्म हुआ ही ना हो। तो दो तरह का पानी बताऊंगा, एक तरीका वो होगा जिसमें 7 चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद आपके किचन में इसे मिल जाएं, अगर किचन में ना भी हो तो करीब आपको सब्ज़ी वाली दुकान से ज़रूर मिल जाएंगी। और दूसरा तरीका वो है कि जो आपको पनसार से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। दोनों तरीके बेहतरीन हैं, आजमूदा हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर दूँ। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ज़ार्शिक शीरी यानी कि बर्बरीज का इस्तेमाल बताया, वो आप बतौर मेडिसन इस्तेमाल करेंगे। जब आपके मुर्गों में बहुत ज़्यादा तलखी आ चुकी हो, आपके मुर्गों में निमकियात कम हो चुके हों, तो आप उन्हें रैपिड उन रेस्क्यू करना चाहते हों, उन्हें फ़र्स्ट एड देना चाहते हों, आप उन्हें इमिजिएटली जो है उनको बहाल करना चाहते हों, तो आप वो ज़ार्शिक शीरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप रूटीन वाइज अपने परिंदों को बचाना चाहते हैं कि उनके अंदर निमकियात की कमी ही ना हो, वो डूं करना ही ना शुरू करें, उनमें गर्मी की शिद्दत की वजह से असरात जो गर्मी के होते हैं वो ज़ाहिर ही ना हो, आपके परिंदे तरोताज़ा रहें और उनका टम्परेचर कम रहे, उनको किसी किस्म के अटैक, उनके जिस्म में खुश्की, किसी किस्म के मसाइल ना आए, तो आप इन दोनों में से जो एक पानी बना के अपने परिंदों को ऑफ़र कर सकते हैं दिन टाइम पर। तो पहला तरीका जो आपने सब्ज़ी की दुकान से या अपने किचन में से ही जो चीज़ें लेनी है वो आपको 7 चीज़ें मैं बता देता हूँ, उनकी मकदार भी बता देता हूँ। पहले नंबर पे है पुदीना के पत्ते, सब्ज़ पुदीना के पत्ते वो आपने इतनी मकदार में ले लेने। सब्ज़ पुदीना आपके घर में मौजूद हो या किसी सब्ज़ी वाली दुकान से बासानी आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आपने पुदीना के पत्ते इतने सारे ले लेने। उसके बाद धनिया, सब्ज़ धनिया जो होता है उसके पत्ते भी आपने इतनी ही मकदार में ले लेने, सब्ज़ धनिया। उसके बाद एक छोटा सा प्याज आपने सफ़ेद रंग का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वरना कोई भी मिल जाए तो चलेगा। छोटा सा प्याज इतना इतने साइज़ में जो वो आपने एक प्याज ले लेना। उसके बाद एक अदद आपने खीरा ले लेना, ताज़ा खीरा लें, दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़ा साइज़ का ना हो, आपने एक ताज़ा खीरा ले लेना। उसके बाद इतने से साइज़ में एक आपने टमाटर ले लेना है। टमाटर कोशिश कीजिएगा कि बहुत पक्का भी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा लाल भी ना हो और बहुत कच्चा सब्ज़ भी ना हो, हल्का सा उस पर सब्ज़ी हो, बहुत बिल्कुल कच्चा भी ना हो, सब्ज़ सा हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिल्कुल कच्चा ना हो, लेकिन सुरख रंग में नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सुरख में ना हो। उसके बाद जी एक अदद आपने कद्दू लेना तकरीबन इस साइज़ का। अब ये कद्दू जो है ये आप एक दफ़ा लेंगे तो आप 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कद्दू इस्तेमाल नहीं होना, इसमें से आधा कद्दू इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपने शीशम के
पत्ते जिसे आप टाली कहते हैं, हमारे मुकामी पंजाबी ज़ुबान में इसे टाली का दरख्त कहते हैं। ये आम हमारे गांव में, हमारे ज़रई इलाका जात में ये अमूमन एक आम सा आपको किसी भी पार्क में, आपको किसी बाग में आसानी से ये पौधा मिल जाता है। तो उसके पत्ते भी आपने इतने सारे ले लेने। तो ये टोटल 7 चीज़ों के पत्ते लेके आपने इसको ब्लेंडर में डाल लेना है, जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें डाल के 1 गिलास पानी में डालें, इसमें पानी डाल के उसको ब्लेंडर में को चलाएं और इसे शेक कर लें अच्छी तरह। जब ये 1 गिलास जूस टाइप तैयार हो जाए तो इसमें मज़ीद आपने 1 लीटर पानी डालना है। पानी डालने के बाद किसी मिट्टी के कुंडे में, बर्तन में आपने डाल के अपने मुर्गों के आगे ऑफर कर देना, सारा दिन ये पानी पीते रहें। इस पानी के इस्तेमाल से आपके परिंदों के अंदर हैरान कुन तरह के फ़ायदे उन्हें हासिल होंगे। ये सारी तो ये आपने 7 चीज़ों का ये एक मशरूब किस्म की बना के पानी आपने अपने परिंदों को ऑफ़र करना है। और ये रोज़ाना आप जब तक बारिशों का महीने नहीं आते, जब नमी का तनासब बेहतर नहीं होता, तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद दूसरी तरीका का जो पानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है, पंसार से आपने टोटल 7 चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले नंबर पे आपने जंगली पुदीना खुश्क लेना है, ये 1 छटांक लेना है। उसके बाद खुश्क धनिया, ये भी 1 छटांक ले लेना है। उसके बाद सफ़ेद संदल है, ये भी 1 छटांक ले लेनी है। उसके बाद तबाशीर है, ये भी 1 छटांक ले लेनी है। उसके बाद धमासा बूटी या सुची बूटी बोलते हैं, धमासा बूटी या सुची बूटी, ये भी 1 छटांक ले लेनी है। ये 5 चीज़ें होंगी, इनको आपने पीस लेना है, वहीं से पिसवा लेना है, ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना के किसी डिबिया में महफूज कर लेना है। उसके बाद 2 चीज़ें और लेनी है, एक आपने इमली लेनी है 100 ग्राम और आलू 100 ग्राम, ये आपने ग्राइंड नहीं करवानी, ये वैसे ही लेनी है आपने। ये अलहदा आपने शॉपर में या डिबिया में डाल के रख लेनी है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने 1 लीटर पानी लेना है, जो सफूफ बनाया है उसमें से आपने 1/2 चम्मच सफूफ निकाल के 1 लीटर पानी में डालना है। उसके अलावा आपने इमली और आलू बुखारा में से इतना आपने निकाल के, इतनी इमली और इतना आलू बुखारा निकाल के वो भी आपने पानी में डाल देना है। रात को ये काम करना है और उस पानी को आपने किसी भी बर्तन में डाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है। फ्रिज में नीचे वाले खाने में रखने का मकसद ये है, आप ओपन हवा में रखेंगे तो आजकल मच्छर वगैरह की वजह से उसमें बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो सकती है रातों रात, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखें, सुबह के टाइम आपने उसे निकालना है, निकाल के अच्छी तरह हल करके उसमें आपने मज़ीद 1 लीटर पानी डालना है। ये टोटल 2 लीटर पानी हो गया, किसी कुंडे में डाल के आपने मिट्टी के बर्तन में अपने परिंदों को ऑफर करें। आप सारी गर्मियां इस्तेमाल करते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। आपके परिंदों में एसी लग जाएगा, उन बर्फ़ में लग जाएंगे, वो डू बहुत कम करना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल हल्की फुल्की डू करेंगे जब दोपहर का टाइम होगा, और उनके मिनरल्स पूरे रहेंगे, उनके विटामिन, उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत, उनके ताकत, उनके पानी की मकदार, उनके जिगर, गुर्दा, फेफड़े सब बेहतरीन हालत में रहेंगे। उनके फेफड़ों के अंदर जो गर्म हवा की वजह से खुश्की आ चुकी होगी वो खुश्की ख़त्म हो चुकी होगी, उनकी सांस की नाली में अगर इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके परिंदों में खुश्की ख़त्म होगी और सर्दी का एहसास आएगा, गर्म जो उनके अंदर असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ भी आ चुकी होंगी और आपके मेंटली तौर पर भी आप इससे मुतमिन होंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा आ जाऊँगा, तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।